CAC 23 का क्वांट का जो स्ट्रेटेजी रहेगा वो कैसे रहेगा? देखो यार, अभी जैसे कि ना प्रिपरेशन चल रहा है आप लोगों का, आप लोग सिलेबस को पहले ख़त्म कर लो, उसके बाद सेक्शनल मॉक दीजिए। जैसे कि ना आपको मिक्सर एंड एलिगेशन का एक तो मॉक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का मॉक है, नंबर सिस्टम का मॉक होगा, ट्रिगोनोमेट्री का मॉक है, जियोमेट्री का मॉक है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का मॉक है, मॉक करके बहुत मॉक्स है। तो पहले मॉक्स दो, उसके बाद आप मूव करने का कोशिश करो दूसरे जगह में, एज बिकॉज व्हेन यू आर पॉजिटिवली थिंकिंग अबाउट दैट कि हमको यहाँ पर करना ही पड़ेगा, तो जाके क्या होगा ना, इट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। मॉक के साथ साथ आपको जो एग्जामिनेशन हॉल में आपको पेशेंस रखना है, ठीक है? पेशेंस आप नहीं रखोगे तो क्या होगा ना, आपको जितना ही आप कर लो आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। क्वांट में मैं आपको बता रहा हूँ, 22 को क्वेश्चन है, 11 को क्वेश्चन आपको रहेगा एरिथमेटिक्स से, एंड 11 को क्वेश्चन मिक्स रहेगा जैसे कि ना एलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, मेंस रिजल्ट, ओके? तो 11 को एरिथमेटिक में से रहेगा तो आपको मिक्सर एंड एलिगेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, आपको पार्टनरशिप का प्रॉब्लम, उसके बाद दैट इज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर मनी एंड योर हेड, ओके, एंड नंबर सिस्टम, उसके बाद आपको आते हैं जैसे कि ना आपको दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, ओके, हो गया, और आपको प्रॉफिट एंड लॉस एंड इंटरेस्ट करके जाइएगा। तो 10 को चैप्टर आपको फुलफिल, आपको 11 का क्वेश्चन आ जाए, लेकिन 11 का क्वेश्चन में 11 का क्वेश्चन अटेम्प्ट आप नहीं कर सकते, उसमें आपको कर पाओगे आप 6-7 को क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, बाकी 11 को क्वेश्चन है उसमें आपको 6 को अटेम्प्ट करना होगा, 6-7 को, तब जाके 12-13 का क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा एंड यू विल गेट 99.99% इन क्वांट, ओके? अगर आपने वहाँ पर आपको कैट दिया एंड आपको क्वांट में वैसा परसेंटाइल आया, तब जाके आपको मतलब कहना टोटल ओवरऑल परसेंटाइल बढ़ेगा, क्योंकि आपको VRC थोड़ा सा आपको कम होगा, DLR कम होगा, तो फिर भी आपको मेकअप हो जाएगा। उसके बाद और एक चीज़ जो है विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ द क्वांट, जैसे कि एलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन एंड जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ाई करो, क्योंकि आपको मेंसुरेशन का 2D 3D का जितना सारा प्रॉब्लम है, उसके बाद जैसे कि ना आपको क्वांट का, तो आपको क्या होगा ना ऑटोमेटिक एक तो बहुत अच्छा चीज़ होगा, जैसे कि ना आपको मिल भी जाएगा आपको, जैसे कि ना हाईएस्ट परसेंटाइल या हाईएस्ट नंबर लाने के लिए बहुत सारा अटेम्प्ट करना पड़ेगा, अटेम्प्ट मतलब करेक्ट अटेम्प्ट, व्हेन यू आर गोइंग फॉर द करेक्ट अटेम्प्ट यू विल गेट ए हाईएस्ट परसेंटेज, तो ऐसे ही होता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 13-14 ओवर का अटेम्प्ट करो, 15 को टारगेट करो, 16 को टारगेट करो, 13 को हो जाएगा। तो इसी में आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी बना के आपको एरिथमेटिक का जितना सारा क्वेश्चन है आपको करना पड़ेगा, एरिथमेटिक का अच्छे से करना पड़ेगा, तब जाकर आपको फाइनल कन्वर्ट मतलब 99.99% इन क्वांट आ जाएगा। सो इट इज़ द बेसिक स्ट्रेटेजी एंड आप पढ़ाई करो, और 11 का क्वेश्चन आपको एरिथमेटिक से आता है, बाकी 11 का क्वेश्चन आपको आता है आपको एलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री एंड मेंसुरेशन से 2D 3D, ओके? एंड ट्रायंगल का जो है वो सारा प्रॉब्लम आता है, तो ट्रायंगल का थोड़ा सा ध्यान से देखो, जितना सारा हाइपोथेसिस है ट्रायंगल का थोड़ा सा दिमाग में घुसा ऑटोमेटिक हो जाएगा। वन सेकंड, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू द बेल आइकन, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू गाइस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, थैंक यू।